और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, सपा विधायक आजम खान रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी है। और आजम खान विधानमंडल के बजट सत्र में शामिल होंगे, विधानसभा में विधायक पद की शपथ भी लेंगे आजम खान। और आज का दिन बहुत अहम है, देखिए जेल में रहने के कारण विधायक पद की शपथ वो नहीं ले पाए थे और आज का दिन बहुत खास है, विधानमंडल के बजट सत्र में भी शामिल होंगे और विधानसभा में विधायक पद की शपथ भी लेंगे आजम खान। जेल में होने की वजह से वो विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे और देखिए 27 महीनों के बाद ये मौका आया है जब विधानसभा के भीतर आपको आजम खान दिखाई देंगे। आज से बजट सत्र की हो रही है शुरुआत और आजम खान को लेकर के जानकारी ये है कि वो रामपुर से हो गए हैं लखनऊ के लिए रवाना। कल भी आपको याद होगा जब उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल किया गया कि विधानसभा के सत्र में आप शरीक होंगे या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा था कि तबीयत ठीक रही तो मैं विधानसभा जाऊंगा। और देखिए इसी पर ये बड़ी अपडेट है कि सपा विधायक आजम खान रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और बजट सत्र में उनकी मौजूदगी रहेगी, ये खबर बता रही है। जेल में इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है, अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर, तो जब इतने खतरे हैं तो फिर ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे कुछ भी नहीं पता। चलिए इसी खबर पर डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है टाइम एग्जैक्ट निकलने की, पहुंचने की और जो डिटेल्स आ रही हैं साझा कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कल रात लगभग 12:55 पे वो अपनी खुद की कार से निकले हैं रामपुर से और आज वो लखनऊ पहुंचेंगे जहां पर कि वो जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे। तो लगभग यहाँ से जो समय लगता है 4 से 4.5 घंटे यहाँ से लगते हैं, तो इस समय तक अब वो लखनऊ पहुंच चुके होंगे ये माना जाता है। बिल्कुल, यानी मौजूदगी दर्ज हो चुकी है लखनऊ में और अब लखनऊ के शेड्यूल पर नजर रहेगी। किस तरीके की कोई अंदरूनी जानकारी है कि लखनऊ में कहां कहां जाना है और सबसे जरूरी काम तो शपथ ग्रहण का होगा? जी बिल्कुल, इस बारे में जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कोई भी साफ तौर पर कोई बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने इतना जिक्र जरूर किया, उन्होंने कहा कि जब मैं सीतापुर की जेल से आ रहा था तो एक इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा था कि आपके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपका कभी भी इनकाउंटर हो सकता है, तो आप बच के रहिएगा, एक तरीके का संकेत दिया उन्होंने और खतरा भी जाहिर किया। रवि, अब्दुल्ला आजम भी साथ में गए हैं लखनऊ आजम खान के साथ? जी बिल्कुल, अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों ही गए हैं। और रही जाए बात तो अब्दुल्ला आजम आगे एक गाड़ी में गए थे, दूसरी गाड़ी में आजम खान गए हैं और तीसरी गाड़ी में उनके सिक्योरिटीज थे। ठीक है, शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के। आइए यूपी विधान मंडल के बजट सत्र की डिटेल्स लेते हैं। आज से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल बजट सत्र का आगाज होगा। ये बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। ये भी आपको बताएं कि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है और इस बार वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन बहुत टेक्निकल तरीके से, जो पूरा लुक और फील होता है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो पन्ने हमने आपने देखे हैं जो अमूमन पारंपरिक तौर पर बजट सत्र के दरमियान दिखाई देते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, सारी चीजें डिजिटल होंगी। इसके लिए बकायदा विधायकों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, हर किसी के सामने एक टैबलेट होगा, उसी पर तमाम चीजें मेंशन होंगी और वही डॉक्यूमेंट होगा। तो इस तरीके से आज बेहद खास है, योगी 2.0 बजट सत्र पहला बजट सत्र है शपथ ग्रहण के बाद, और दूसरी अहम बात यह है कि पूरी तरीके से टेक्निकल होगा, विपक्ष हंगामा कर सकता है, कई मुद्दों को लेकर के तैयारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा में पहली बार नेता विरोधी दल के रूप में मौजूद रहेंगे, इसलिए भी संकेत मिल रहे हैं कि सदन में कार्यवाही हंगामेदार होगी। और इसके अलावा बजट सत्र से जुड़े जो अहम बुलेट पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये शुरू होना है, हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, नेता विपक्ष की भूमिका पहली बार अखिलेश निभाने जा रहे हैं। अब आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज